उसके दर्द को, उसकी समस्या को हम कैंसर से विचार करें। और हमारे कोई निर्मल चौधरी की कोठी बंगला गाड़ी में कब्जा कर लिया रही है साफ तौर पर बता रखा है। हम कागजा देना है क्या अपन दे और क्या अपन राठी साहब ने पढ़ के सुना क्या है उसके अपन में कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं मारी। इन भाइयों ने बताओ है समस्या है जो इन खट्टर जी से भांडे ने पैदा कर रखी है। अपना तो घर सैनी जिनके घर है उनके मुँह के हम चालन नहीं दे। इन्होंने धारा में हमारे साथ समझौता करा न्यूनतम वेतन देने का, आज तक उसको हेलो उस वक्त सिंह राठी केंद्रीय ट्रेड यूनियन AIUTUC का हरियाणा का उपाध्यक्ष हूँ। ये तालमेल कमेटी की तरफ से 19 सूत्री मांग पत्र को लेकर के 8 दिसंबर से हड़ताल चल रही है। इनकी कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जो सरकार ने पहले ही घोषित कर रखी थी। 2018 में मुख्यमंत्री के साथ समझौता हुआ था, उसमें वर्कर का दर्जा देना, उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का दर्जा देना, उनको महंगाई भत्ता देना और अन्य मांगों को लेकर के 2018 में ये समझौता मुख्यमंत्री के साथ हुआ था। दूसरी हमारी जो मांग है, प्रधानमंत्री ने 2018 में ये घोषणा करी थी कि भाई कार्यकर्ता को 1500 रुपये और सहायिका को 750 रुपये दिए जाएंगे और ये दिवाली का तोहफा है। 2018 का फैसला प्रधानमंत्री का भी आज तक लागू नहीं हुआ और 2018 का जो मुख्यमंत्री के साथ हुआ था वो भी आधा अधूरा लागू हुआ है, वो भी पूरा लागू नहीं हुआ। तो ये जो प्रमुख मांग है दो तो ये है, एक है भाई ये पोषण ट्रैकर का नीति थोप रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियां पुरानी हैं उन ऑनलाइन काम नहीं आता, इसलिए इसका पोषण ट्रैकर का विरोध हो रहा है। इन मांगों पर अगर सरकार सकारात्मक कार्रवाई करे तो ये आंदोलन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अगर टर्मिनेशन करते हैं, टर्मिनेशन की धमकियां देते हैं तो वह आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे कोई डरने वाले नहीं है, 52,000 वर्कर इस आंदोलन के साथ है। पीछे करनाल में रैली हुई थी, जेल भरो हुआ था, ये सब आंदोलन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। आज उर्मिल चौधरी जी को ज्ञापन दिया गया था हमारी जो डिमांड है उनके लिए। और पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ हम उनकी जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम उनसे सहमत नहीं है। उनका आश्वासन जब हम उनके यहाँ आते हैं तो वो हमें आश्वासन देती हैं और हम उनके यहाँ जब वो हमारे यहाँ आती है तो हम उनका सहयोग देते हैं। ये बहुत उन्होंने गलत करा। आज उन्होंने खट्टर जी को फ़ोन करना चाहिए था, हमारे सामने फ़ोन करके ये कहना चाहिए था कि हम आपकी मांगे अभी पूरी करवाती हूँ या मैं तुम्हारे सामने ये बातें रखती हूँ। ये उन्होंने बहुत गलत करा है। ये साथ देना नहीं कहा जाएगा कि। और आज हमारे यहाँ सोनीपत खरखोदा पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर्स इकट्ठी हुई हैं। जिस चीज़ को लेके हम यहाँ खड़े हुए थे उससे मेरी सभी आंगनवाड़ी वर्कर सहमत नहीं है, ना उनकी बातों से सहमत हुई ना उनके आश्वासन से सहमत हुई। धन्यवाद।